हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीस मेनू। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मलयालीज का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला करी, जो है बीफ करी। तो ये केरला स्टाइल है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो बीफ करी केरला में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक नॉन वेज है। ये शादियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, हर ओकेशन में बनाया जाता है। तो इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो मीट को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में अपने बूचर से कहकर मैंने कटवा रखा है। तो इसको अच्छी तरह वॉश करके, पानी सारा ड्रेन करके रखा हुआ ये बीफ है, 1 किलो बीफ है ये। अब यहाँ पर कुछ हम गर्म मसाले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी इलायची ली है, 3-4 सिनेमन स्टिक लिए हैं, 3-4 मैंने यहाँ पर बे लीफ है, 4 लौंग लिए हैं और 8 से 10 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है। सिनेमन स्टिक, बड़ी 2 सिनेमन स्टिक थी, उसको मैंने तोड़कर ऐसे ले रखा है। देखिए, तो ये जो गरम मसाले हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके अलावा हम लोग करी बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं डालेंगे गरम मसाला ऐसे खड़े। तो यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ, तो ये 1/2 टीस्पून सौंफ है। सौंफ डालने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है मीट में। तो यहाँ पर मैंने अभी 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, तो नमक ज़्यादा मत डालिएगा अभी, जस्ट 1/2 टीस्पून के हिसाब से डालिएगा। बाकी बाद में हम जब करी बनाएंगे तब डालेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर है ये, वो डाल दिया। तो हम इसमें ज़्यादातर काली मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे मिर्च के लिए। अब क्या करना है, हमें इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन को, पेस्ट भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, जो आपके मन में हो वैसे डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को ऐसे ग्रेट करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के वो डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आप कोई भी मीट बनाते हैं, सबसे पहले ये होता है कि मीट जब गर्म होना शुरू होता है तो उसमें से जूसेस निकलने शुरू हो जाते हैं मीट के, तो यहाँ पर भी ऐसी ही होगा। तो जो मीट मेरे को यहाँ पर मिलता है UAE वगैरह में, बहुत जल्दी पकने वाला मीट होता है, वो 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छी तरह पककर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है। पानी मैंने इसलिए डाला है, एक तो हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह पक जाए, दूसरी बात वो नीचे जले ना, इसलिए मैंने पानी डाला है। तो ऑलरेडी अभी मीट में से भी पानी निकलेगा जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया वगैरह में तो फिर 25 से 30 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम पे बीफ वगैरह पकाने में, बट यहाँ का जो बीफ मिलता है वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट हम इसको रखेंगे कवर करके, फर्स्ट विसल हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम पे ला के 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। तो देखिए, ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैं अभी पैन में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तो ये केरला स्टाइल है, तो केरला में इसे कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, पर यहाँ पर अभी मैं कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर 5 से 6 बड़े चम्मच आप तेल डालिएगा। तेल डालने के बाद यहाँ पर 1/2 टीस्पून राई के दाने डालिएगा। तो देखिए, अगर आपके मीट में फैट कंटेंट ज़्यादा है तो आपको तेल यहाँ पर कम कर देना है। तो अभी मेरे जो मीट में फैट कंटेंट्स बहुत ही कम थे, इसलिए मैंने यहाँ पर तेल ज़्यादा डाला है। तो अब ये देखिए, ये कोकोनट चंक्स हैं, कोकोनट जो हैं मैंने उन्हें ऐसे काट लिया है। तो काट के सबसे पहले हमें ये फ्राई करना है, तो इसे हमें हल्का, बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन करने जाएंगे तो ये जल्दी से जल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको ब्राउन करके निकालना है। सिर्फ गोल्डन कलर ही करिएगा, लाइट गोल्डन कलर। तो पहले ये फ्राई हो जाए हमारे, तो ये डालने से बहुत ही अच्छा लगता है करी खाने में। ये बीच बीच में से जो नारियल के जो चंक्स आते हैं मुंह में, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और ये जब नारियल जब फ्राई होकर आता है तो उसका टेस्ट ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें, यहाँ पर मेरे अभी जो नारियल के चंक्स मैंने ऐसे काट काट के डाले हैं, वो अच्छी तरह लाइट ब्राउन होने लगे हैं। तो बस अब मेरे को यहाँ पर प्याज है, तो देखें यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो उसको मैंने ऐसे फाइनली स्लाइस कर रखा है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर करी लीव्स लिया है। तो करी लीव्स केरला फूड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर देखिए, जो केरला में बीफ करी वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक करी है, शादियों में या फिर होटलों में या फिर जो छोटे छोटे रोड साइड जो ढाबा टाइप जो होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है ये
बीफ करी और परोठा तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है वहाँ पर। तो देखें यहाँ पर जो मेरा नारियल के चंक्स है वो अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो गए, इससे ज़्यादा नहीं करना है हमें वरना वो जल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो प्याज को मैंने स्लाइस कर रखा है वो और यहाँ पर करी लीव्स मैंने डाल दिया है, तो अब इसको अच्छी तरह हमको फ्राई करके निकालना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले हम। तो अब क्या होगा, ऐसे प्रोसीजर में जो नारियल का जो फ्राई होगा ना वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, मतलब अब नारियल ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, क्योंकि अब जो प्याज का पानी वगैरह सब निकलेगा तो उसमें फिर वो जो फ्राइंग प्रोसेस होता है नारियल का वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है ताकि जल्दी से मेरे प्याज वगैरह फ्राई होने शुरू हो जाएं। तो नॉन वेज करी आप कोई सा भी बनाएं इंडियन स्टाइल, उसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हींग अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए भी अच्छा है और खाने के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हींग डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग का पाउडर डाल दिया है, उसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे को अभी 4 से 5 मिनट हो गया है और प्याज जो है मेरी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, तो अदरक लहसुन को मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के डाला है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह अगेन आपको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और मिक्स करते करते भूनिएगा ताकि ये आपका जले ना मसाला। और अब अदरक लहसुन को अच्छी तरह हमें फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज अदरक लहसुन को फ्राई करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी मसाला तो झट से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अगेन 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर ले रही हूँ, तो ये जो है मेरा टीस्पून है, तो 3 टीस्पून का मतलब 1 टेबलस्पून होता है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर लिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर नॉर्मल चिली पाउडर डाला है, जो जिसमें मिर्च होता है। कश्मीरी रेड चिली से क्या होगा, हमारी जो करी है उसको बहुत अच्छा कलर आएगा। अब मैं यहाँ पर मीट मसाला डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भर के मीट मसाला डाला है। अब इनको हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। तो स्पाइस लेवल आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती क्योंकि बच्चे वगैरह भी हैं घर पर। अब आपको इस मसाले को लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको 1 मिनट बहुत अच्छी तरह भूना है, मसाले का रॉ स्मेल वगैरह सब चला गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 हरी मिर्च को ऐसे ही रफली चॉप कर रखा है, वो डाल दिया है मैंने। अब इस मसाले के साथ आपको ये टमाटर को अच्छी तरह सॉफ्ट करना है, मिलाते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाला है, अच्छी तरह मिलाइए और इसको अब आप 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो तेल है वो ऊपर आ जाए, टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए और बढ़िया सा एक मसाला हमारा रेडी होकर मिल जाए। तो यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाला है मैंने यहाँ पर। मैंने बोला है सौंफ का पाउडर डालने से क्या होगा ना, ये करी को बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अभी हमारा मसाला ऑलमोस्ट डन हो गया है, देखिए आप तेल वगैरह सब ऊपर आने लगा है, अच्छी तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर अभी एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे, मसाला बिल्कुल भी जला नहीं है इस टाइम पर, आपको फ्लेम का ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें मीट डालेंगे अपना, तो देखिए मेरा मीट वगैरह सब पक कर रेडी हो गया है। तो इसे मैंने 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया था और बहुत अच्छी तरह वो पक कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारा आप मीट डाल दिएगा इसमें, मीट डालने के बाद अब हमारे मीट को आप अच्छी तरह मसाले के साथ आप मिक्स करिए और जो फ्लेम है आपका उसे आप मीडियम पे रखिए। अब देखिए यहाँ पर उबाल आने लगा है, तो हम इसे थोड़ा करी वाला बना रहे हैं ताकि हम चावल वगैरह के साथ भी खा सकें। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने 1/2 कप पानी डाला है, 1/2 कप पानी डालिए और जो फ्लेम है आपका उसे हाई पे कर दीजिए ताकि हमारा जो मीट है जो करी है वो अच्छी तरह बॉईल होना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर देखिए आप नमक चेक करिएगा क्योंकि हमने नमक कम डाला था, तो नमक चेक करके आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब हमें इस करी को बॉईल करना है, तो हाई फ्लेम पे आपको इसको बॉईल करना है। तो अभी ढकिएगा मत इसे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करी वगैरह बॉईल होने लगा है। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो फ्लेम है उसे आप लो पे ले आइए, लो टू मीडियम के बीच में ले आइए। अब हमें इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल करना है, तो इसे ढक कर आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो अभी देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, मैंने बीच बीच में चलाया भी था, तो यहाँ पर अभी तेल वगैरह सब ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम विनीगर है ये, तो ये राइस विनीगर है, नॉर्मल विनीगर जो भी आप यूज़ करते हैं, आधा टीस्पून से थोड़ा कम ही डालिएगा, ज़्यादा खटास नहीं करिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़े से करी लीव्स डाल दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केरला फूड के लिए। अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला, तो गरम मसाला लास्ट में ही डालिएगा, तभी अच्छा एक फ्लेवर आपकी करी को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब हमें इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो मीट में अच्छी तरह से आ जाएं। तो यहाँ पर ढक दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो करी है रेडी हो गया है। तो जब भी आप ऐसा कोई करी बनाते हैं उसको तुरंत ही दूसरे बर्तन में डिश आउट नहीं करा करिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है वो एक्चुअल जिस बर्तन में पकता है उसी में ही होता है। तो 10-15 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको डिश आउट करिए। बहुत अच्छा रेसिपी है, जल्दी बन जाता है, तो आप ये डिनर में या लंच में कभी भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये केरला में तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है केरला परोठे के साथ, तो मैं जल्दी ही आपके लिए केरला परोठे का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आपको मेरे वीडियोस मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो उसे लाइक करिए शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। तो अगले अच्छे से वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।